शादी रहे। कुछ नए तरह का चावल का कुछ आइटम बना रहे प्रेशर कुकर में पिता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आज हो चुका है नवंबर में, कौन सा दिन लग गया, आज डेट हो गई 15 नवंबर। सबसे पहले गुरु नानक जयंती की आप लोगों को बधाई हो। इसको प्रकाश पर्व भी बोला जाता है सिख धर्म में, और स्पेशली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है लंगर में खाना खाना। आज लंगर में खाना भी होगा, देख रहे हैं इस गुवाहाटी की वादियों में अभी यहाँ पे हम आए। क्या मस्त हरा भरा दिख रहा है ना सारी चीज़ें, तांबूल का पेड़, नारियल का पेड़, केले का पेड़ बहुत होता है यहाँ पे, नीम भी है वैसे ना। ये ट्रेडिशनल पुराने घर ऐसे हुआ करते थे यहाँ पे, ये वाले मतलब शेड बनाते थे और अंदर मतलब पूरा फाल सीलिंग बना के बहुत सुंदर ही घर बनाता है। अब तो नया वाला ये सब कंक्रीट वाला इधर घर बनने लग गया है, किनारे से नारियल का पेड़ लगा हुआ है। सामने ही नारियल है लेकिन मिलता नहीं खाने को, देख देख के हम लोग ललचाते रहते हैं इधर से, और उधर सामने वाले पेड़ में तो पूरा पक गया है, पीला पीला होके, वो देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये बगल में ये काई कुची का रोड है, हमारे गाड़ी ओड़ी जा रही है आज, देखे इधर अभी थोड़ी देर बाद रौनक बढ़ जाएगा। और सामने एयरपोर्ट भी दिखता है एकदम इसी के सीध में। दोस्तों यहाँ जितना मकान बनाना होता है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देखे थर्ड फ्लोर तक बनाया इन्होंने, पूरा पिलर डाल के छत डाल देते हैं। ये सामने वाले में छत नहीं डाला लेकिन हमारे में तो देखिए पूरा थर्ड फ्लोर का छत डाल के फोर्थ में भी ये बना दिया है। सामने भी ऐसा करते हैं, सारे लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि शटरिंग का पूरा सामान खरीदते हैं और पूरा छत वगैरह सब डाल देते हैं ना। सामने भी मकान बना हुआ है तो वहाँ भी ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि शटरिंग का खर्चा जो है एक बार ले लिया और फिर मकान बना के फिर सारा कंप्लीट ही कर देते हैं। तो यहाँ सही है वैसे इस हिसाब से ना, और उसके बाद पिलर डाल के छत डाल देते हैं, घर बनाते रहते हैं, दीवार बाद में डालते रहते हैं। एक बड़ा मकान देखिए सामने भी बन रहा है, कोई अपार्टमेंट टाइप का बन रहा है बहुत बड़ा ना, तो इस तरह भी लोग मकान बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए एयरपोर्ट देखने लग गया, मैं आपको दिखा जो न्यू एयरपोर्ट है ना ये बन रहा है, ये नया वाला एयरपोर्ट बन रहा है, अभी काम चल रहा है इसमें, और एकदम बिल्कुल हमारे घर के सीध में ही है। सीधा सीधा अगर जाना हो तो मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 800 मीटर होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थोड़ी बर्थडे है। अरे नाम बताओ, बर्थडे थोड़ी ना बोला है, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग ए भाई, गुड मॉर्निंग। भागा डर के मारे। ये संदीप भाई उठ गए, आज सुबह का क्या कार्यक्रम है भाई? आज तो कुछ नहीं, बस नहाना वहाना है। चलो वहाँ पे गुरुद्वारे में कुछ वहाँ पे श्रमदान करो, हम सोचे सुबह चलते हैं श्रमदान करते हैं। चलो फ्रेश होके चलते हैं, उधर काम धाम करके आते हैं, खाना तो खाने चलेंगे ना, लंगर खाने। ये देखिए दोनों महाशय सो ही रहे हैं अभी तक न, और इनको कह रहा हूँ सुबह सुबह उठ जाओ। ओ माई गॉड, तुम्हारा क्या चल रहा है, पूरा बर्तन ही बर्तन फैला है किचन में, फटाफट धो के तैयार हो जाओ, आज गुरु पर्व है। हैप्पी गुरु पर्व। गुरु नानक जयंती है। अच्छा। गुवाहाटी की गलियों में घूम रहे हैं, ये देखिए गुवाहाटी की गलियां, गांव की गलियां है समझिए, कामरूप की। इधर मकान बन रहा एक, क्या बोल रहे बाबू, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? डाइटिंग करने, डाइटिंग करने जा रहे, डाइटिंग करने जा रहे। देखिए हम लोग पैदल चलते चलते गुरुद्वारे आ गए, और आज यहीं पे लंगर की व्यवस्था है, हम लोग सेवा देने के लिए वैसे चले हैं घर से, देखते हैं क्या चल रहा है, कुछ सेवा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हम लोग, क्यों संदीप भाई? आज लंगर खाने से पहले सेवा भी किया जाए इधर। भाई 555वां जयंती बोलेंगे, 15 नवंबर 2024 555वां जन्म जयंती मनाई जा रही है,
बाबा गुरु नानक की। ओ संदीप सर, काटो थोड़ा तेज तेज प्याज काटो भाई, धीमा स्लो हो अभी अभी, देखो इतना काटना है, वो पूरा आपको काटना है उधर। ये चल रहा है बर्तन वर्तन सफाई, खीरा उरा कट रहा। हाँ, अब जाके थोड़ा पैर सीधा हुआ, वो झुनझुनी पकड़ लिया, जींस पहन के आया ना, मुझे लोअर पहन के आना चाहिए। लो भैया आलू का काम खत्म हुआ, इधर चल रहा है शायद, क्या कट रहा है, खीरा और मूली। आज की सेवा बाबा गुरु नानक जयंती पर, और गुवाहाटी असम में गुरुद्वारा के नाम, सुबह से आया था, लगभग 2-2.5 घंटा हो गया यहाँ पे, जितना सेवा बना था कर दिया। अभी चलते हैं और लंगर जब शुरू होगा तो अभी फैमिली इधर आएंगे, क्योंकि आज बाबा गुरु नानक की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ें। बगल में ही मंदिर रहा यहाँ पे ना, और गुरुद्वारा इधर ही है, और यहाँ पे मस्जिद और क्रिश्चियन के लिए भी यहाँ पे बना हुआ है। चलते हैं अब यहाँ से। ये देखिए कुछ एयरफोर्स का टाउनशिप है ऐसा। ये देखिए माँ बेटी पकौड़ी खा रहे हैं, दिखाओ जरा। नमकीन खा रहे हैं। ओह, काजू बादाम वाली नमकीन भी खा रहे हैं। कैसा लग रहा? नमकीन तो अच्छी होती। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं लंगर चखने के लिए, प्रसाद चखने के लिए, लेकिन आई कार्ड ही भूल गए। बिना आई कार्ड के तो एयरफोर्स के गेट के अंदर तो एंट्री नहीं होगी, गुरुद्वारा ही नहीं पहुंच पाएंगे, पता चला जाके फिर वापस लौट के आना पड़े। रिशु को भेजा है कि लेके आओ भाई आई कार्ड, तभी जा पाएंगे हम लोग। ये देखिए रिशु आई कार्ड लेके आ गई, लाओ। अच्छा किया, नहीं तो हम लोग तो अंदर ही नहीं जा पाएंगे। काफी भीड़ है देखिए भाई, ये देखिए योगा करना सिखा रहे, कह रहे ऐसा करो पतले हो जाओगे हमको। अभी देखिए हम लोग गरल मिनी PHC आ गए, धारापुर से आगे जो है पलास बारी वाले रोड पे। इनको क्या हो गया जी? कह रहे हड्डियों में दर्द हो रहा है इनके, कैल्शियम का कमी हो गया, तो कैल्शियम का टेबलेट वबलेट यहाँ से मिल गया। और पीछे ब्रह्मपुत्रा नदी है, एक बार इनको हम ब्रह्मपुत्रा दिखा के यहाँ से ले चलते। तुम गई हो कि नहीं गई हो ब्रह्मपुत्रा? है चलो, अच्छा ब्रह्मपुत्रा दो दवाई मिल गया इनको। देखिए कैल्शियम है, विटामिन D3 है, और क्या है, एक पेन किलर है, पेन किलर है। चलो इतना चाहिए था इनको, बाकी जो इनका हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए मेडिकल कॉलेज डर्मेटोलॉजी क्या बोला मैडम ने, कुछ पता नहीं आप लोग बताइए, डर्मेटोलॉजी उधर दिखाना होगा तो ठीक होगा फिर तो, यहाँ छोटा मोटा दवाई मिल जाता है। ये देखिए हम लोग नदी के किनारे आ गए, ब्रह्मपुत्रा के पूरा इधर तो पानी नहीं दिख रहा, बहुत कम पानी हो गया। बीच में पूरा मकान वकान भी बनाया है क्या लोगों ने? उधर मकान वकान बिल्डिंग वल्डिंग दिख रहा है, अरे वो मकान वकान भी दिख रहा है बीच में, देखो ना, बोट तो है ही। ये डोंगी लेके चले क्या उस पार, ये वाला डोंगी लेके? इधर से हम लोग आ गए गांव से इस बगल ना, ये रास्ता बंदर है आगे, बहुत सारे बंदर है, बंदर बंदर बंदर, आगे चलो उधर चलते हैं, उधर 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 आगे। ओ रेत अरे तो विशाल ब्रह्मपुत्र देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं उधर ही, देखते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारा, गांव है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है ब्रह्मपुत्र नदी।
मछली भी पकड़ी जा रही है और है? कितना इधर विशाल दिख रहा है, है ना? कटिया लगा है। मतलब मछली पकड़ना भी बड़ा धैर्य का काम है, बहुत मतलब धैर्य चाहिए, पूरा दिन चाहिए, टाइम चाहिए, लेके बैठे रहो कटिया ने। जाल वाला थोड़ा जल्दी पकड़ता है, ज़्यादा मछली पकड़ता होगा ना। ओ दादा कैसे हो? ठीक। जब बाढ़ आया तो पिताजी को यहाँ पे ले आए थे ना, ये पाकड़ का पेड़ पे एकदम बहुत ऊपर तक पानी था, और अंकल जी मिले थे बात करने के लिए पिताजी से। हाँ ये अक्सर अंकल जी इधर ही मिल जाते हैं जब जितनी बार आता हूँ। आगे रोड चला गया ऐसे ऐसे किनारे किनारे नीचे नीचे साइड साइड में। कभी बोटिंग करने चलेंगे तो मज़ा आएगा फिर इसके अंदर। दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है, और देखिए अभी हम फैमिली के साथ में, कल सिंगल आए थे, अभी पूरा फैमिली के साथ में मेला देखने के लिए आ गए। सोनी रीसू और आंसू भी सबको लेके आए मेला के लिए, तो हमने सोचा कि इन लोगों को भी मेला दिखा दे। और आज कुछ कल से ज़्यादा भीड़ है, आज है 17 नवंबर, आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही, आपको दिखाता हूँ ना। कुछ ज़्यादा भीड़ है देख रहे हैं। अभी हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं, चलो 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 गुफा के अंदर। बाबा इतना भीड़ हो रहा है, कितना भीड़ हो गया है। ये बोरे का बना रखा है, बोरे का कलर कर रखा है। हाँ रियल कलर कर रखा है। ये आ गए अंदर, अभी देखो इधर फोटो वोटो खिंचवा रहे, सब इधर जाने का बाहर। ये आज कुछ बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी है, देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हमने वीडियो डाल दिया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। क्या करो मिले के अपने वैसे ही नॉर्मली इसमें डाल दो। रात महत्वपूर्ण मंच धर्मालोचनी सभा अनुषित करोटिबारे एक कुछ नए तरह का चावल का कुछ आइटम बना रहे प्रेशर कुकर में पीठा। रे रे रे
देखिए मेला देख के आगे क्या लेके आए, बड़का आम, एक बड़ा सा आम लेके आए। ये आम के रूप में धोखा है, यहाँ देखिए धोखा हो गया, यहाँ भी तो आम में होल है। हाँ, होल है आम में, आम दिखाने के लिए। ओ रिसुए क्या लेके आई, दो फ्लावर लेके आई है, कैसा लग रहा है, ये भी लेके आई। चलो ओ देखो ये भी बजा रहा है बांसुरी, लेके आया दो।